हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बचे हुए कपड़े से हेयर बैंड बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह की एक पट्टी लेनी होगी, जिसकी हमने लंबाई 17 इंच ली है और चौड़ाई में हमने 5 इंच लिया है। और दूसरी पट्टी देखिए हमें इस तरह की लेनी होगी, इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर हमने 10.5 इंच ली है और चौड़ाई में हमने 2.5 इंच लिया है। और तीसरी पट्टी हमें इस तरह की लेनी होगी, इसकी लंबाई हमने 5 इंच ली है और चौड़ाई में हमने 2.5 इंच ली है। और चौथी पट्टी हमने इस तरह की ली है, इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है और चौड़ाई में हमने 4 इंच लिया है। और एक मैंने इस तरह की इलास्टिक ली है, इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर 5 इंच है। तो इस तरह की हमें एक इलास्टिक ले लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने पट्टी नापी थी उसको पहले सिल लेते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगी। और सिलाई हमें इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे। और दोस्तों इस पट्टी को देखिए हमने सीधा कर लिया है। और जो हमने सिलाई लगाई है उसको हमें बीच सेंटर पर रख के प्रेस कर देना है। और सेम ऐसे ही हम इन पट्टियों को भी सिल लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने प्रेस लगा ली है। जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमने बीच सेंटर पर ही रख के प्रेस लगाई है। और जो हमारी ऑरेंज कलर की पट्टी है उसको देखिए हमने साइड में सिल लिया है। और बाकी जो हमारी 3 पट्टी हैं उनको हमने देखिए साइड में नहीं सिला है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी 10.5 इंच वाली पट्टी है उसमें हमें इलास्टिक को सिल लेना है। इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगी। तो इस तरह से पहले हम एक तरफ से इलास्टिक को सिल लेते हैं, नहीं तो हमारी इलास्टिक निकल सकती है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम दूसरी तरफ भी इलास्टिक को बाहर की तरफ कर देंगे। और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बीच में सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को हमें खींच के ही सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक वाली पट्टी को सिल लिया है। और जो हमारी सबसे पहली वाली पट्टी है उसके ऊपर हम इस इलास्टिक वाली पट्टी को रखेंगे और सीधी साइड से हमें रखना है। और दोनों तरफ से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी इलास्टिक को सिल लेंगे। देखिए इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और पट्टी को हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है और दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरह से हमने देखी इलास्टिक को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बराबर करेंगे और बीच सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और जो हमने निशान लगाया है वहीं पर हम इस तरह से पलेटें डालेंगे।
और यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हम हाथों से लगाएंगे सुई की मदद से, और सुई में हमने डबल धागा डाल लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने बीच में सिलाई लगा ली है, और जो हमारी ऑरेंज वाली पट्टी है तो उसको लेंगे, और देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हम बीच में इस तरह से टाके लगा लेते हैं। और टाके लगाने के बाद देखिए हम बीच में इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर भी टाके लगा लेनी है। तो इस तरह का देखिए हमारा एक फूल बन गया है। जो हमने 5 इंच की पट्टी ली है उसको देखिए इस तरह से रखेंगे, और उल्टी साइड में हम इस तरह से इसको रखेंगे। और बची हुई पट्टी की देखिए पहले हम कटिंग कर लेंगे। पट्टी कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हमें सुई की मदद से टाके लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा हेयर बैंड सिलकर तैयार हो गया, देखिए इस तरह से, और इसको हमने बचे हुए कपड़े से बनाया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।